शहर अहमदाबाद में कई बार आ चुकी हूँ और हर बार ये शहर ने मुझे ज़रूर चौंकाया है। चाहे वो मछलियों के बीच से जाना हो, ये स्टेपवेल की कहानियाँ सुनना, गुजराती थाली खाना हो या मज़ेदार स्ट्रीट फूड, भारत की इतिहास जानना हो या नए भारत की टेक्नोलॉजी, ये शहर में सब कुछ है। तो चलो लेके चलती हूँ अहमदाबाद मेरे नज़रों से और घूमेंगे ये डाइवर्स सिटी को दो दिन में, जिसमें स्टे, फूड, टूरिस्ट प्लेसेस और अट्रैक्शन सब कवर करेंगे। वेलकम टू अहमदाबाद, या फिर मैं कहूँ अहमदाबाद मा अपनु स्वागत छे। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome to Ahmedabad। यहाँ पे बहुत सारे जगह है देखने के लिए and हर time कुछ ना कुछ नया यहाँ पे open होता है which makes this place so exciting and I'm gonna show you how you can plan your trip, मतलब पूरा दो दिन अहमदाबाद को कैसे cover कर सकते हैं, places कौन से cover कर सकते हैं, stay कहाँ रहना है, budget क्या होगा, food and all the details, so keep on watching till the end to know the complete 2-day itinerary for Ahmedabad। अहमदाबाद इज़ अ वेल कनेक्टेड सिटी। ट्रेन और फ्लाइट से यहाँ आना काफ़ी आसान है एंड डायरेक्ट ऑप्शंस भी अवेलेबल है फ्रॉम मेजर सिटीज़। आई ट्रैवल फ्रॉम अहमदाबाद बाय द आदि शताब्दी ट्रेन एंड आई मस्ट से आई वॉज इम्प्रेस्ड। पूरा एसी चेयर ट्रेन है एंड इसमें हमें वेलकम स्नैक्स, ब्रेकफास्ट और लंच सर्व किया था। 6 से 7 घंटे का सफ़र था फ्रॉम मुंबई एंड इट वॉज अ प्लेजेंट वन। अहमदाबाद पहुंचते ही पहले होटल में चेक इन किया, स्टेइंग एट दिस 100 ईयर ओल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी कॉल्ड एज मनी मैंशन। इसका लोकेशन बढ़िया है एंड सिटी सेंटर पे भी लोकेटेड है। रूम्स स्पेशियस एंड क्लीन एंड इट वॉज अ लवली स्टे। Are you a fan of cars, especially vintage old cars? So this is the place for you. I am at our first location here in Ahmedabad, which is the Auto Vintage Car Museum. Yahan pe more than 100 vintage cars hai. This place also holds a Guinness Book of World Record for the largest number of vintage cars, which is amazing. The entry fee is 100 rupees per person and photography karna hai to it's additional 100 rupees. And also ye city se kafi dur hai, that is city se kuch आधा घंटा की दूरी पे है, तो उसके लिए हम लोग ओला से आए, जो भी हमको एक्स्ट्रा 300 रुपीज़ हो गया उसमें फ्रॉम अवर होटल। सो दिस इज़ द प्लेस दैट वी विजिटिंग एंड कवरिंग फर्स्ट, सो लेट्स गो इनसाइड। अभी सुबह के कुछ अराउंड 10 बजे है, सो ज़्यादा लोग अंदर है नहीं, सो होपफुली वी गेट टू सी एंड एक्सपीरियंस दिस प्लेस नाइसली। लेट्स गो। The Auto Vintage Car Museum is like a dream for every car lover. यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा vintage cars है from as old as 1930s. Mercedes, Austin, Rolls Royce, Bentley, Jaguar ने ये जगह की शान बढ़ाई है। The museum is developed by Shri Pranlal Bogilal Patel and till today all the cars are in working condition and very well maintained, which is extraordinary. There are also utility vehicles and bikes here to admire. 1000 rupees extra dene pe you can take a ride in one of the vintage cars seating 6 people, which is something unique to do here. Museum dekhne ki baat kare to 1 se 2 ghante mein pura tour kar sakte hain. राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑटो विंटेज म्यूजियम, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है। अभी फिलहाल 11 बजा है, सो वी आर नॉट हैविंग एनी फूड ओवर हियर, बट इफ़ यू कम हियर ड्यूरिंग द लंच टाइम, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है विच हैज़ अ वेरी नाइस विलेज सॉर्ट ऑफ अ थीम एंड बहुत ही ऐसे ग्रीनरी है आसपास एंड बहुत सारे प्लांट्स है। द फूड दैट दे सर्व ओवर हियर इज थाली फूड, ऑथेंटिक गुजराती थाली, दैट इज ऑल्सो वॉट यू कैन हैव ओवर हियर। अहमदाबाद आर वेरी कॉमन सिंस गुजरात बींग अ वेरी हॉटर साइड ऑफ द कंट्री, यहाँ पे स्टेपवेल्स बनाते थे,
स्टेपवेल्स को गुजराती में वाव बोलते हैं एंड करेंटली आई एम एट अ प्लेस जिसका नाम है हरी स्टेपवेल जो 15th सेंचुरी का स्टेपवेल है. दिस स्टेपवेल इज़ नॉट मच नोन एंड हेंस पीपल डू नॉट कम हियर, बट ज़्यादातर लोग अडालज नी वाव जाते हैं जो बहुत ही फेमस है. बट दिस इज़ ऑल्सो स्टेपवेल दैट यू कैन कम एंड विजिट. ये सिटी से देखा जाए तो कुछ 15-16 किलोमीटर्स की दूरी पे है. देर इज़ नो एंट्री फी टू कम हियर. यू कैन कम एंड विजिट द ब्यूटिफुल स्टेपवेल दैट इज़ ओवर हियर. सो लेट्स गो इनसाइड एंड विजिट द स्टेपवेल एंड टेक अ क्लोजर लुक टू इट. आउटर साइड ऑफ द स्टेपवेल यहाँ से देखा जाएगा तो ऐसे लगता नहीं कि अंदर बहुत ही डीप 190 फीट का वेल है. एंड दिस इज द आउटर एरिया एंड यहाँ से ऊपर से यू कैन सी व्यू व्हाट्स देयर इनसाइड. सो हम लोग एंट्री पे जाएंगे एंड गेट अ क्लोजर लुक टू इट. पर बाहर से बिल्कुल नहीं समझता कि अंदर इतना सुंदर कारीगरी भी किया गया है. कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1485 बाय दाई हरीर अंडर द सुपरविजन ऑफ सुल्तान बेगाडा. This is a 5-story deep stepwell built in sandstone. Persian और Sanskrit inscriptions पाए गए हैं stepwell के दीवारों पे, जो इस stepwell के बारे में हमें और जानकारी देते हैं. So this is a beautiful stepwell over here. Stepwells बनाया जाता था as I mentioned because the state is a bit on the dry and hotter side and stepwells बनाया जाता था ताकि well का पानी है स्टोर किया जाए जो ठंडा रह सकता था. The place also used to be cooler since ये ground के थोड़ा नीचे level पे है and hence a lot of travelers used to also stay here पुराने ज़माने में since ये shade वाला जगह है यहाँ पर ठंडा रहता था. Everywhere you see are these ornate designs which is inspired by the Indo-Islamic architecture and you can see the different designs and carvings all around this stepwell which is so beautifully done. हमने कोई टूरिस्ट कार बुक नहीं किया है. फॉर टूरिस्ट कार इट वाज अराउंड 2500 फॉर द एंटायर डे जिसमें कुछ कुछ पॉइंट्स कवर होते हैं. सिंस आई वांटेड टू एक्सप्लोर मोर डिफरेंट एंड यूनिक प्लेसेस हियर इन अहमदाबाद इसीलिए वो टूरिस्ट कार नहीं किया है. एंड उसके लिए हम लोग अभी लोकल ट्रांसपोर्ट से ही यूज़ कर रहे हैं टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस. यहाँ पर रिक्शा की बात करें तो कोई रिक्शा में मीटर वगैरह कुछ नहीं है एंड वो लोग जो मुँह पर आया रेट बोल देते हैं. सो बार्गेनिंग विद द रिक्शा पर्सन इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो ओला उबर इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज फिक्स रेट मिलता है एंड यू कैन गो ईजिली 5-10 मिनट के अंदर ही आ जाता है. दैट्स हाउ वी आर गोइंग फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर. द ऊबर राइड पहली बार ऐसा हुआ है कि ऊबर ऐसे गाड़ी में हमने ट्रैवल किया. बट वी मेड इट टू साइंस सिटी हियर इन अहमदाबाद जहाँ पे साइंस को डेडिकेटेड है. सो लेट्स गो इनसाइड. ऑलराइट सो वी हैव जस्ट टेकन द एंट्री टिकट. यहाँ पे अलग अलग टाइप की एंट्री टिकट है. वी हैव टेकन द 349 वाला टिकट जिसमें कुछ ही अट्रैक्शंस इंक्लूडेड है. दिस वन मोर टिकट जिसमें अराउंड 500 रुपीज़ में बहुत सारे अट्रैक्शंस इंक्लूडेड है. बट अगर आप अंदर जाके भी ये एक्स्ट्रा टिकट वगैरह ले सकते हो बट उसका कॉस्टिंग ज़्यादा होता है. हेंस दे रिकमेंड अ कॉम्बो ऑफर ओवर हियर. इट्स नाउ लंच टाइम एट द मोमेंट सो वी गोना गो एंड ईट समथिंग. देयर इज अ कैफे इनसाइड व्हिच इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी. सो फर्स्ट लेट्स हेड ओवर देयर. खाना बिना खा लेते हैं फिर ये साइंस सिटी हम घूमेंगे. कैफेज़ है अमूल का भी यहाँ पे कैफे है जहाँ पे आप खाना खा सकते हो एंड क्वाइट अफोर्डेबल फूड इज़ व्हाट यू गेट ओवर हियर. एंड नाउ दैट वी ईटन नाउ वी गोना गो एंड एक्सप्लोर द प्लेसेस अराउंड. अभी हमारा टिकट में देर आर ओनली टू अट्रैक्शन दैट इज इंक्लूडेड. दैट्स अ रोबोटिक्स एंड एन एक्वेटिक म्यूजियम जो हम विजिट कर सकते हैं. बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने को, फोटोज निकालने को एंड बहुत सारे बच्चों के साथ लोग आए हैं टू सी दिस प्लेस. वन राइड बिहाइंड मी इज़ अ थ्रिल राइड. ये इजिप्ट के ज़माने में लेके जाते हैं थ्रू दैट 4D राइड एंड दैट्स नॉट इंक्लूडेड इन अ टिकट. उसका एडिशनल चार्ज ऑफ 30 rupees पर पर्सन दैट यू कैन गो एंड एन्जॉय. बट दिस इज समथिंग दैट आई एम गोना स्किप फॉर नाउ एंड लेट्स मूव ऑन एंड सर्च अदर प्लेसेस हियर इन दिस वेरी बिग साइंस सिटी ऑफ अहमदाबाद.
नेचर पार्क हियर इनसाइड द साइंस सिटी म्यूजियम. यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस है. यहाँ पे डायनासोर पार्क है, कैक्टस पार्क है, देयर इज ऑल्सो प्ले एरिया एंड अ लॉट मोर अट्रैक्शंस हियर टू कवर. आई डिड नॉट एंटिसिपेट दिस पार्क टू बी सो लार्ज एंड हेंस आई थिंक लाइक एक दिन इस पूरे एरिया को घूमने के लिए काफ़ी रहेगा. पूरा दिन का आउटिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं एंड आई वुड रिकमेंड कि वो टाइम पे आओ जहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं होता है, तो जब बहुत कड़क धूप है. बट दिस पार्क इज रियली वेरी अट्रैक्टिव एंड बहुत ही अच्छा बनाया है. दैट इज द एक्वेटिक गैलरी. एक्वेटिक यानी कि फिश वाटर बॉडी से रिलेटेड गैलरी है. सो ये हमारे टिकट में इंक्लूडेड है. सो लेट्स गो एंड विजिट दैट. एंटर करते ही दोनों साइड्स पे दिखे बहुत ही बड़े फिश टैंक्स, और यही नहीं सीलिंग पे भी फिश टैंक है. वाकई में बहुत ही ग्रैंड एंट्री था. इतने में तो मैं तो खुश हो गई, पर अंदर जो देखा उससे तो मैं चौंक गई. देयर वाज अ लार्ज एरिया हैविंग सो मेनी थिंग्स टू लुक एट. अ लार्ज फिश टैंक्स विद ब्यूटिफुल फिशेस, इंटरैक्टिव सेक्शंस टू नो एंड अंडरस्टैंड द एक्वेटिक वर्ल्ड, लार्ज स्क्रीन्स विद एनिमेशंस एंड फिल्म्स एंड सो मच मोर. एंड देन I took a peek into the fish world. So I am inside the viewing deck and literally in between the fishes over here. As you can see this, it's so wonderful out here. Look at this. So many fishes and here I am. Fishes रखे हुए हैं and the technology and the design and architecture is out of this world and बहुत ही world class बनाया है. As you can see there are these big glasses of different different fishes over here. बहुत सारे तो मैंने कभी पहले देखे भी नहीं है. There are interactive screens also जहाँ पे आप fishes के बारे में पढ़ सकते हो by clicking on it, which is so amazing. ये place is definitely a must visit when in Ahmedabad. If you have kids, they would love it over here. It is so amazing out here. Turner.
रोबोटिक्स म्यूजियम। यहाँ पे सब कुछ डेडिकेटेड टू रोबोटिक्स है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग मशीन्स यहाँ पे दिखाई देंगे एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है ये जगह भी। हर स्ट्रक्चर के ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन दिया है ताकि हमें पता चले कि ये क्या है, किसके बारे में है एंड वी कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। इट्स ट्रूली एन इनक्रेडिबल प्लेस। इफ यू लव साइंस एंड रोबोटिक्स लाइक आई डू देन दिस विल फैसिनेट यू फॉर श्योर। बहुत ही अच्छा बनाया है एंड देर आर लाइक सो मेनी थिंग्स टू लुक आउट। इट्स काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग बट यूल एंजॉय इट फॉर श्योर। रोबोटिक्स म्यूजियम इज अ रोबो कैफे जहाँ पे लिटरली एक रोबोट हमें सर्व करता है। सो हाउ द प्रोसेस वर्क्स इज लाइक आप जाके काउंटर पे पेमेंट करते हो, दे गिव अस अ नंबर, आफ्टर मेकिंग द फूड प्लेस इट ऑन द रोबोट एंड द रोबोट डायरेक्टली कम्स वॉकिंग टू आवर टेबल टू सर्व द फूड एंड वी हैव टू पिक अप फ्रॉम दैट ट्रे दैट शी हैज ओवर देयर, ही और शी। सो नाउ लेट्स सी एंड वेट फॉर आवर रोबोट टू कम सर्व अस। सो देयर इज अ रोबोट कमिंग टू अस टू सर्व फूड। ऐसा लग रहा है कोई और ही दुनिया में आ गए हैं। अभी सिंस दिस प्लेस इज डेडिकेटेड टू अर्थ, यहाँ पे अर्थ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है, फॉसिल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, डिफरेंट बायोडाइवर्सिटीज़ के बारे में है एंड बहुत सारे साइंस के रिलेटेड आइटम्स यहाँ पे डिस्प्ले पे है। दिस इज इंक्लूसिव इन आर टिकट, अदरवाइज इफ यू जस्ट टेक द 50 rupees टिकट यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है टू कम इनसाइड एंड आई वुड रिकमेंड यू टू कम हियर एंड एक्सपीरियंस दिस एज वेल। ये पूरा गैलरी दो फ्लोर्स में डिवाइडेड है। टॉप फ्लोर पे है फॉसिल्स और ह्यूमन एनाटॉमी, फर्स्ट फ्लोर पे है डायनासोर्स एंड एनिमल्स, डेजर्ट फॉक्स एंड इफ यू क्लिक द लाइट ओवर हियर इट हाइलाइट्स व्हाट एनिमल आर वी स्पीकिंग ऑफ ओवर हियर, और ग्राउंड फ्लोर पे है अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन। इन ऑल दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एन इंटरैक्टिव प्लेस। We ended our tour of Science City Ahmedabad. It was so much fun and a wonderful place to visit for sure. I have changed my clothes because hum hotel jaake change kiye and then we came back to explore the city again. So this is Ahmedabad Gufa, which is a very nice interesting place here in Ahmedabad. This is an art museum and art deco style of museum and ye banaya hai cave jaisa structure mein. There's also an art display gallery here where one can admire the art and maybe take some inspiration. There is no entry fee to come to this place. It is absolutely free of cost. यहाँ पे देयर इज ऑल्सो अ कैफे जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो, लाइट फूड वगैरह। दिस प्लेस एक्चुअली देखा तो कॉलेज एरिया में आता है, यहाँ पे आसपास बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज है, इसके लिए यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो ओवर हियर। नेक्स्ट लोकेशन, तो अभी हम लोग आए रिवर फ्रंट की ओर एंड यहाँ पे बहुत सारे नए नए अरेंजमेंट्स करके रखे हैं। तो वी आर गोइंग टू गो टू द फ्लावर गार्डन एज वेल एज द अटल ब्रिज, जो अटल ब्रिज है यहाँ का न्यूएस्ट एडिशन है। उसके कंबाइंड टिकट चार्जेस इज 40 rupees पर पर्सन एंड टुडे बीइंग अ सैटरडे बहुत ज़्यादा गर्दी है यहाँ पे, बट वी स्टिल गो एंड चेक आउट द ब्रिज एंड द व्यू। अटल ब्रिज एंड बहुत ही खूबसूरत सा
वाला ब्रिज है ऑन द साबरमती रिवर. बहुत ही कलरफुल है एंड बहुत ही अच्छा है यहाँ पे. एंड यू कैन एक्चुअली गो फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ साबरमती रिवर थ्रू दिस ब्रिज. एंड यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी हवाएं भी चल रही है. टुडे बीइंग अ सैटरडे थोड़ा गर्दी है, इसके लिए ऐसा फोटोज वगैरह में अच्छे नहीं आ रहे, बट इफ यू कम हियर ड्यूरिंग द वीक डेज बहुत अच्छा लगेगा. विजिटेड द फ्लावर गार्डन जो अटल ब्रिज के बाजू में ही है. यहाँ देखिए कुछ कैक्टस, फ्लावर्स एंड कलरफुल लीव्स. अभी समर होने के कारण ये गार्डन फुल ब्लॉसम नहीं था और रात भी हो गई थी. ये दिन में देखने को जरूर अच्छा लगेगा. नाउ इट्स डिनर टाइम एंड डिनर के लिए वी वांटेड टू हैव समथिंग ऑथेंटिक गुजराती, सो इसीलिए हम आए हैं गोपी डाइनिंग हॉल. एंड द थाली जस्ट अराइव. दिस इज द स्पेशल गुजराती थाली विच इज़ फॉर 425 रुपीज. एंड यहाँ पे तीन तरीके के स्वीट डिशेज है. देयर आर मल्टीपल भाजीज एंड ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटीज ऑल्सो अवेलेबल ओवर हियर. एंड दिस ऑल इज ऑल गुजराती ऑथेंटिक विच इज अमेजिंग. लाइक अहमदाबाद आगे दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू ट्राई आउट. सो आई एम गोना टेक into this. बहुत ही स्वादिष्ट खाना खा लिया एंड पेट काफ़ी भर गया है, बट बहुत ही अच्छा खाना था, टेस्ट अच्छा था, वैरायटी अच्छा था एंड सीज़न के हिसाब से खाना था. जैसे अभी सीज़न चल रहा है आम का, तो हमें आम रस खाने को मिला जो बहुत ही बढ़िया था. आई वुड हाईली रिकमेंड यू दिस थाली. 425 रुपीज़ का ये स्पेशल गुजराती थाली है, बट काफ़ी पैसा वसूल है. गोपी डाइनिंग हॉल के दो ब्रांचेज है, तो कोई भी ब्रांच जो आपके लोकेशन से पास है, डू विजिट इट फॉर लंच और डिनर. यू विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर श्योर. मॉर्निंग एंड दिस इज़ डे टू ईयर इन अहमदाबाद. एंड आज के दिन में हम एक्सप्लोर करेंगे गांधीनगर वाले एरिया के प्लेसेस एंड देन कम बैक टू अहमदाबाद लेटर इन द डे. सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर दिया विच वॉज इन अवर इन हाउस रेस्टोरेंट ओनली. वो करने के बाद अभी हमने कैब बुक किया है टू गो टू गांधीनगर. वहाँ पे है दांडी कुटीर. ये लोकेशन से कुछ 25 किलोमीटर्स की दूरी पे है. एज आई मेंशन कि ये गांधीनगर में लोकेटेड है एंड ओला ऊपर अराउंड 500 है फ्रॉम माई होटल इटसेल्फ. Now I made it to the first location for today. This is the Dandi Kuti dedicated to Gandhi ji and his life is portrayed inside this. ये एक बहुत ही सुंदर सा location पे है and as you can see from the exterior it looks like a pyramid or rather a salt mountain. And the entry ticket to this place is 10 rupees per person, so it's a pretty inexpensive ticket. You can go inside under audio visuals देते हैं, but entry पे you only are allowed to take your phone and water inside, nothing else. Everything should be stored in the luggage room, so let's go and do that. Videography and photography are not allowed inside, but basically it is a museum dedicated to Mahatma Gandhi's life that also portrays the story of India's freedom struggle through 360 degree theater, train, house, jail models and much more that makes you feel like a part of the journey. It was incredible. ये रहा दांडी कुटी दैट यू कैन कम एंड विजिट हियर इन गांधीनगर. अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अक्षरधाम जो है 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे. सो लेट्स हेड ओवर देयर. आई हैव जस्ट बुक माय कैब एंड आई थिंक इट्स स्टैंडिंग राइट ओवर देयर. सो लेट्स गो. अक्षरधाम इज डेडिकेटेड टू स्वामी नारायण एंड द वन इन गांधीनगर इज द फर्स्ट अक्षरधाम टू बी बिल्ट. यहाँ पे कैमरा एंड बैग लॉकर रूम में डिपॉजिट करना होता है. मंदिर का दर्शन लेकर एक्स्ट्रा 60 रुपीस का टिकट ले सकते हैं. मंदिर और स्वामी नारायण के कहानी के बारे में जान सकते हैं थिएटर, शो और म्यूजियम से. यहाँ पे 3 से 4 घंटे लग सकते हैं. सो नाउ वी आर बैक टू
टू अहमदाबाद सिटी एंड यहाँ पे हमारा प्लान था विजिट द टॉयलेट म्यूजियम. येस यू हर्ड मी राइट. ये बनाया गया था टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ क्लीनिनेस, टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ यूजिंग वॉशरूम्स. बट अनफॉर्चुनेटली आज संडे होने के कारण ये बंद है. प्लस इट ऑल्सो हैज़ अ कैफे जिसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो ऐसा कमोड है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस हियर इन अहमदाबाद एंड ये प्लेस इज राइट नेक्स्ट टू द साबरमती आश्रम. Iconic place here. This is the Gandhi Ashram. This is the place where Gandhiji lived for 15 years. And this is the beautiful ashram. It's now open to all to visit. There is no entry fee or anything to come to this place. And this place is also right in front of the riverfront. Baju mein hi hai is the Sabarmati River, which you can see flowing from this location as well. मैंने ये प्लेस मेरे पिछले अहमदाबाद विजिट में कवर किया हुआ है इन डेप्थ इन डिटेल. इस पर मैंने सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं. सो डू चेक आउट दैट वीडियो टू गेट इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन. अवर नेक्स्ट लोकेशन हेयर इन अहमदाबाद. दिस इज़ द वेरी फेमस काकरिया लेक. ये एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक है जो सर्क्यूलर है एंड आसपास बहुत सारे अट्रैक्शंस है इसके. द एंट्री टिकट टू दिस प्लेस इज़ ₹10 पर पर्सन. एंड अट्रैक्शंस की बात करें तो यहाँ पे है जू, यहाँ पे है एक्वेरियम, यहाँ पे है अम्यूजमेंट पार्क, बटरफ्लाई गार्डन एंड बहुत सारे अदर पार्क्स एंड किड्स प्ले एरिया एज वेल. इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है जब मैं लास्ट टाइम काकरिया आई थी. पूरा डेडिकेटेड वीडियो है ऑफ ऑल द अट्रैक्शंस दैट यू कैन कवर देयर. सो आई लीव अ लिंक डाउन बिलो, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो. स्ट्रीट फूड खाना है तो मानिक चौक जाना टू हैव सम हट के कॉम्बिनेशंस, और स्ट्रीट शॉपिंग करना होगा ऑफ ट्रेडिशनल गुजराती आउटफिट्स तो उसके लिए लॉ गार्डन बेस्ट है, और गुजराती स्पेशल फूड आइटम्स की शॉपिंग करना है तो इंदुबेन खाकरावाड़ी जरूर विजिट करना. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस एंड वेराइटीज है. This is how you can spend 2 days here in Ahmedabad exploring the different places. So thank you so much for watching this video. If you made it this far, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel for more such videos. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place in a new city. Bye-bye.